तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में ठंडी लगभग कम हो चुकी है। पिछले 18 जनवरी 2023 से आंगनवाड़ी केंद्र सुबह 10:30 बजे खोले जा रहे थे, लेकिन बिहार ICDS ने आंगनवाड़ी केंद्र के समय संचालन के लिए टाइमिंग के लिए फिर से एक नया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जरूरी ऑफिशियल लेटर जारी किया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों का टाइम फिर से बदल दिया गया है। अब टोटल 4 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र चलेंगे। चलिए हम आपको नया टाइमिंग दिखाते हैं, सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि केंद्र कितने बजे खुलेंगे और कितने बजे बंद किए जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत यूजफुल जानकारी मिलेगी। वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली बिहार से जितनी भी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, बिहार ICDS ने फिर से बिहार आंगनवाड़ी केंद्रों का जो समय है वो बदल दिया है। आपको वीडियो देखने से ध्यान से समझ में आएगा कि आखिर आंगनवाड़ी केंद्र बिहार में अब कितने बजे खुलेंगे और कब बंद करना है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये जो लेटर है, वो बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया एक ऑफिशियल लेटर है। इसकी संचिका संख्या है 868। लेटर जो है वो 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया, बिल्कुल नया लेटर है। लेटर जो है ICDS निदेशक की ओर से, डायरेक्टर की ओर से बिहार पटना से जारी किया गया है। पूरे बिहार के DM को जारी, ये इस लेटर को जारी किया गया है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए पत्र का विषय क्लियरली लिख करके मेंशन कर दिया गया है कि मौसम के प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु समय सारणी के संबंध में, यानी नया टाइम टेबल अब बिहार आंगनवाड़ी केंद्र के लिए लागू होगा। हम उम्मीद करेंगे आगे जानकारी देने से पहले वीडियो में देखिए, अगर आपको पसंद जरूर आएगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ चूंकि टाइम चेंज हुआ है तो इस वीडियो को अपने ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य सेविकाओं को भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। देखिए जो टाइमिंग चेंज करने के संबंध में इसका प्रसंग जो है दिया गया, 28 नवंबर 2022 को लेटर जारी हुआ था, उसके साथ यहाँ पर प्रसंग दिया गया है। लिखा गया, महाशय, उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा मौसम के प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी। जी हाँ, आपको मालूम है कि जब बहुत ठंडी पड़ रही थी जनवरी के समय में, तो 18 जनवरी को लेटर जारी किया गया था और उस समय जो है नया समय सारणी निर्धारित किया गया था। देखिए पहले की बात की जा रही है। लिखा गया, एत अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित समय एवं अवधि के अनुसार अपने जिला अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का समय अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जाए। यानी नीचे एक टाइमिंग दिया गया है और उस समय और उस अवधि में जितना भी टाइमिंग रहेगा उसी हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्र चलाना है। देखिए ICDS के डायरेक्टर कौशल किशोर जी का सिग्नेचर और 28 फरवरी 2023 का डेट देखने को मिल रहा है। लेटर जो है पूरे बिहार के DPO, पूरे बिहार के CDPO और सभी समाज कल्याण विभाग के सचिव, आप सचिव सभी को भेज करके बताया गया कि बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों का टाइम बदल गया है। नीचे आता है, यहाँ पर देखिए इसी प्रसंग के बारे में बात की जा रही थी, 28 नवंबर 2022 को यह जारी किया गया था और उस समय देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों का जो समय संचालन है बहुत पहले से ही है, जो है वो टोटल 4 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, लेकिन बीच में जब काफ़ी ठंडा पड़ रहा था जनवरी में तो वो 3 घंटे चल रहा था। मैं उसका भी ऑफिशियल लेटर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि समय सारणी में कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 2 मार्च है, यानी मार्च के महीने तक आंगनवाड़ी केंद्र जो है सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक चलते हैं, यानी 4 घंटे अब आपको केंद्र चलाना है। अब आपका आंगनवाड़ी केंद्र 9:30 पर ही खुल जाएगा और केंद्र जो बंद करने का टाइम है वो 1:30 बजे ही रहेगा और 31 मार्च तक यही टाइमिंग चलेगा। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि इस प्रसंग के द्वारा पूरे बिहार में टाइमिंग बदला गया। चलिए हम आपको पुराना ऑफिस लेटर दिखाते हैं, जिसमें बहुत ठंडी के समय में आंगनवाड़ी केंद्र उस समय क्या चलाए जा रहे थे। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ऑफिस लेटर जो है 17 जनवरी 2023 को ही जारी किया गया था और यहाँ पर संचिका संख्या पूरा डिटेल था। पूरे बिहार के DM को जारी करके उसमें बताया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों का समय संचालन का टाइमिंग जो है वो क्या रहेगा। क्योंकि उस समय जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडी पड़ रही थी, तो इसलिए वहाँ पर टाइम कम कर दिया गया था। लिखा गया था कि 18 जनवरी 2023 से पूरे बिहार के सभी जिलों के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का जो नया टाइमिंग था वो 10:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक था। ध्यान से सुनिएगा, 18 जनवरी से जब से ठंडी बहुत पड़ रही थी उस समय जब आंगनवाड़ी केंद्र खुला, तो उस समय जो है 10:30 सुबह से लेकर के जो है वो 1:30 तक आंगनवाड़ी केंद्र चलाना था, यानी कि टोटल 3 घंटे ही आंगनवाड़ी केंद्र जो है अभी तक फरवरी के महीने तक चलाए जा रहे थे। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको नया ऑफिशियल लेटर दिखाया जो 28 फरवरी को जारी किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्च 2023 से, ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च 2023 से जो आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो चलेंगे, सुबह 9:30 में ही आंगनवाड़ी केंद्र खुल जाएगा, क्योंकि अब ठंडी जो है बिहार से लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन केंद्र जो बंद होगा वो 1:30 PM में ही बंद होगा,
अब जो है टोटल 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र आपको चलाने होंगे, रेगुलर चलाना होगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 10:30 बजे खोलने का टाइमिंग पुराना था, लेकिन लेटर में मैंने जैसे कि आपको पहले दिखाया, अब 9:30 में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, लेकिन 1:30 पर ही बंद होंगे। 4 घंटे अब केंद्र चलाना है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अभी इसकी सूचना आपके ऑफिशियल जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें LS के द्वारा, CDPO डेटा ऑपरेटर के द्वारा नहीं दी गई हो, लेकिन ये ऑफिशियल लेटर मुझे प्राप्त हो चुका है। तो मैंने आपको सूचना दे दी, सारी चीज़ें समझा दी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आपको टाइम चेंज के संबंध में सूचना मिली थी या नहीं मिली थी। तो अगर सूचना नहीं मिली थी, इसके लिए आप अपने CDPO, LS या डेटा ऑपरेटर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि दी गई जानकारी बिल्कुल सत्य है। उम्मीद है आपको वीडियो जानकारी जरूर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।